Hey guys, this is Jayant and you are watching Technology Jayant. Today I gonna show you how to reset Windows 11. Windows को कैसे reset किया जाता है और Windows ने क्यों इस features, इस option को develop किया. इस video में आपको बताऊंगा और दिखाऊंगा भी. तो चलिए शुरू करते हैं. और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि मैं ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियो अपने चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ और आपके पास जाता रहे. तो चलिए शुरू करते हैं. तो माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज रिसेट वाला ऑप्शन क्यों डेवलप किया. पहले क्या होता था कि विंडोज यूजर बहुत सारे इश्यूज फेस करते थे, मतलब बहुत सारे क्रिटिकल इशू आ जाता था जिसको रिजॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मेट ही करना पड़ता था. तो उसमें क्या है, आपको लॉस होता था, आपके डेटा डिलीट हो जाता था और आप जो भी इंस्टॉलेशन कर रखे वो सारे कुछ फॉर्मेट हो जाता. तो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ने विंडोज रिसेट को डेवलप किया और जिसकी मदद से आप इजीली विंडोज को रिसेट कर पाते हो और विदाउट एनी डेटा लॉस. माइक्रोसॉफ्ट ने इसमें रिसेट में भी दो ऑप्शन अवेलेबल रखा है, एक आप कीप माई फाइल्स और रिमूव एवरीथिंग. तो चलिए कैसे करते हैं मैं देखते हूँ. हाँ, इसमें एक बेनिफिट है कि आपको सिस्टम को फॉर्मेट नहीं करना पड़ता और आपको पैसे बच जाता है. तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं कैसे किया जाता है विंडोज 11 को रिसेट. तो गाइस मैं अपने डिस्प्ले के ऊपर आ चुका हूँ, आप देख पा रहे हो. तो मैं आज आपको रिसेट करके दिखाऊंगा, वेरी इजी एंड सिंपल है. आपको सीधा क्या करना होगा, सेटिंग में क्लिक करना है. सेटिंग में क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है, रिकवरी पे आना है. देखिए इसमें रिकवरी लिखा हुआ है, रिकवरी में क्लिक करोगे एंड आप देख पा रहे हो कि रिसेट दिस पीसी, राइट. तो आपको सिंपल सा रिसेट में क्लिक करना है. मैं जैसे रिसेट में क्लिक करूँगा, देखिए मैंने रिसेट पे क्लिक कर दिया. देखिए जैसे आप रिसेट पे क्लिक करोगे इसमें दो ऑप्शन पूछेगा आपसे, कीप माई फाइल्स एंड रिमूव एवरीथिंग. तो मैं इस पर करूँगा कीप माई फाइल. आप जैसे देख रहे हो सारे फाइल एज इट इज़ रहेगा, कुछ नहीं जाएगा. देखिए कीप माई फाइल, राइट. दिस वोंट टेक लॉन्ग, ये कुछ टाइम लेगा, आप थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, आपका भी हो जाएगा. देखिए मैंने बोला रेडी टू रिसेट दिस पीसी, तो मैं करूँगा येस रिसेट. अब रिसेट चालू हो गया, आप देख पा रहे हो. देखिए रिसेटिंग दिस पीसी, तो इसमें कुछ टाइम लगेगा, मैं आपको फॉरवर्ड करके दिखाता हूं. तो गाइस जैसे देख पा रहे हो मेरा पहला तो देखिए अब इंस्टॉलिंग होगा, मतलब मेरा रिसेट तो हो चुका है. अब इंस्टॉलिंग करेगा, पूरा इंस्टॉलिंग करेगा. इसमें भी थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, इसको भी मैं थोड़ा फॉरवर्ड कर देता हूँ. तो देख पा रहे हो मेरा इंस्टॉलिंग भी हो चुका है.
अभी स्टार्ट होने वाला है। वेलकम। अब देखिए सेकेंड फेज का इंस्टॉलिंग स्टार्ट। देखिए हो गया, टेक्नोलॉजी जायंट आ गया। देखिए वेलकम हो रहा है टेक्नोलॉजी जायंट का। तो गाइस ऐसे ही करते हैं, बस आपको दिखाऊंगा कि जैसे मेरा डेटा था वैसे ही है वो, मैं आपको दिखाऊंगा। देखिए मेरा ऑन होने दीजिए। तो गाइस आप देख पा रहे हो कि मेरा डेटा जैसे थे वैसे ही है। तो ऐसे करते हैं रिसेट। तो मेरे वीडियो देख के अगर आपको हेल्प आया हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, कमेंट करके मेरे को बताइएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो जय हिंद।